देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में डीएम मनीष वर्मा और एसपी प्रदीप गुप्ता सहित जिले के अन्य विभागों के लगभग दर्जनों अधिकारियों ने शक्तिपीठ कड़ा धाम में होने वाले नवरात्रि मेले का जायजा लिया। साथ ही कुछ दूरी पर लगने वाले उर्स मेले का भी निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित 51 शक्तिपीठों में एक माँ शीतला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। चैत महीने में लगने वाले नवरात्रि मेले में यहाँ देश के कोने कोने से माता के भक्तों की अपार भीड़ लगती है। वहीं नवरात्रों में यहाँ रात दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। देश प्रदेश से आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला अधिकारी कौशाम्बी मनीष कुमार ने मंदिर प्रांगण में पांडा समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में साफ सफाई, सीसीटीवी, पार्किंग आदि प्रमुख मुद्दे रहे। पांडा समाज के अध्यक्ष जनार्दन पांडे ने जिला अधिकारी को 13 सूत्रीय व्यवस्था को लेकर ज्ञापन भी दिया। 51 शक्तिपीठों में शीतला माँ का ये दरबार है और ये गृह जनपद उत्तर प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का गृह जनपद है और हमने जिलाधिकारी महोदय से एक निवेदन के साथ कहा कि जहाँ पे जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक करके हम सब लोगों को चर्चा करके आश्वासन दिया कि पूरे नवरात्र के मेले में किसी प्रकार के कोई असुविधा नहीं होगी। अभी नवरात्रि शुरू होने वाली 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सभी लोग का उद्देश्य है कि जो भी मेले के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए दीपों का सुमर की व्यवस्था की जाए और जो लोग हैं उनको कोई असुविधा न हो, इसी के लिए आयोजित की गई है और अभी हम लोग को 2-3 दिन का समय सारी व्यवस्था। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।